बच्चे से परेशान किसकी अरदास लगी है भाई? आ जाओ आगे, आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी कर दे। फिर जी पीछे होकर बैठो। कहाँ से आई है? अबोर है, अबोर पहली बार आई है। बच्चे से परेशान है, कहने भी नहीं है। नाम बोल उसका। अशपाल सिंह। शराब पीता है क्या? नहीं जी। है कुछ नहीं। शराब कैसे आगे आई खड़ी है? कुछ नहीं खाता है। कहने में नहीं है, बातचीत नहीं करता है, मानता नहीं है, गालियां क्लोज होती है, लड़ाई झगड़ा चलता है। बाहर रहेगा ठीक रहेगा, घर के अंदर आते ही उसने क्लेश चालू कर देना। बाहर वालों से सही बोलता है, घर में किसी से बोल चाल। हाँ जी है। हाँ जी। अच्छा मुझे यह बताया, पेट में दर्द और कमर में दर्द उसके रहता है? हाँ जी। हाथ पैरों में दर्द रहता है, 24 घंटे ऐसे तड़प सी लगी रहती है। हाँ जी। हालात करी है दर्द बेटा। दाने और खारिश किसके होती है? हाँ जी। दाने और खारिश किसके? बोलता नहीं मेरे पास कुछ करे, बोलता ही इन्ना नहीं, घट ही बोलता है। घट बोलता है, लड़ाई जरूर कर लेना, होता घट बोलता है। मैं बता दूं। हाँ, घर पे छींटे भी आए हैं बेटा, और मसान की रोड़ियाँ भी आई। ये मसान जा, समझ गई? ये जो मसाना के मसान का ये जो रोड़ियाँ उठा के, चीता की तरफ से रोड़ियाँ उठा के बेटा घर में डाली गई है, पूरा घर मसान की तरह लगता है। घर में मुर्दों की तरह बदबू आती है, जैसे घर में मुर्दा जल रहा। हाँ जी। इस तरीके से बदबू आती है सारा दिन, तो खुद ही ये कह देती है कि ये बदबू कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना? होता है कि नहीं? बच्चे रो मार दे। अगर मेरे पास आई है तो रो मत बच्चे, रो मत। रोएगी तो बच्चे बात कैसे करेगी मुझसे, ये बता। हाँ रो मत बच्चे, चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चिंता ना कर, मैं तुझे बता रही हूँ, पहले वो बात सुन बेटा। शमशानी क्रिया करी गई है बेटा, मुर्दे की चिता की जो राख उठा के बेटा वो डाली गई है घर के अंदर। 24 घंटे मुर्दे की बदबू आती है घर के अंदर, ठीक है? जैसे शमशान के अंदर आती है, मुर्दा जल रहा, उस तरीके से बेटा बुनियादी चीजें छोड़ी गई है। एक पे नहीं है घर पे बेटा, 3 लोगों पे है ये काम, ठीक है ना? हाँ 3 ही लोगों पे है बेटा। अगर 3 लोगों तभी तो बता रही हूँ ना, ठीक है ना? पहले भी बच्चे इसी चीज के कारण किसी की मौत हुई है घर में, अचानक से मौत हुई थी बेटा। ऐसे ही उसका एक से कर्जा पकड़ा गया और कर्जे के कारण उसकी मौत हुई, ऐसे ही हुआ था। हाँ तो बेटा ये तभी से ये चीजें छोड़ी गई है, और अभी तक बेटा कितने भक्तों के पास पहुंचे हो तुम लोग, लेकिन कहीं से उपाय नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना? बेटा नंग होके बिल्कुल बैठ चुके, ठीक है? विश्वास तुम्हारा टूट चुका है ना? यही है ना बच्चे? हाँ तो बेटा ये जो शमशानी क्रिया है बेटा, इसका भक्त शमशान में पहुंचा, ठीक है बच्चे? अपने घर का उपाय करवा बच्चे, जब तक ये उपाय नहीं होगा कोई भी कुछ काम ठीक नहीं होने वाला, ठीक है? आगे बच्चे की कोख नहीं चलती, ठीक है ना? तो ये बच्चे ये सारी दिक्कतें इसके कारण, ठीक है? और ये बच्चे करने वाले भी कोई बाहर का नहीं करेगी, ये परिवार से दौरानी जिठानी लगती है, पतली सी है, सांवले से रंग की है, ज्यादातर बेटा गुलाबी रंग और पीले रंग का सूट डालती है, ठीक? बालियां उसने डाली हुई है, जूड़ा करके रखती है, 2 उसके बच्चे एक लड़का है और एक लड़की, पहचान गई? हाँ तो ये है बच्चे जो औरत है जिसने ये तेरा घर का सारा ख्याल बिगाड़ा, ठीक? तो बच्चे इसका तो अपने घर का उपाय करवा और इसका बंधन करवा, ताकि तेरा घर आगे सब ठीक हो, ठीक बच्चे? तो ये वाला उपाय करवा और साथ में अंदर घर पे लगा दे चौकियाँ, सब काम तेरा ठीक हो जाने। 3री चौकी दे, तुम खुद गा के कह देगी कि मां सब बोल सच्चे दरबार की। कहीं से भी करवा, लेकिन अपने घर का बेटा उपाय करवा। अगर जो कहते हैं कि
मानव की तुझे सुरक्षा चाहिए, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, बच्चे घर के अंदर परिवार के सदस्य को सुरक्षा चाहिए, तो बेटा अपना उपाय करवा जितनी जल्दी हो सके। पकड़े बाहर आ सकते बच्चे, वो बच्चों से बात करना, मैंने तुझे जो बताना वो बता। वो कोई दादा नहीं, हम तुझे फोन आओ सामान। आओ जी,